DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस ऑनलाइन एडमिशन ओपन विजिट dpsajmer.in। हम बेरोजगार बैठे 3 महीने हो गए हमको कोरोना महामारी के चक्कर में, और अभी मेरे अंडर में 4 लड़के काम करते हैं, उनका खर्चा भी मेरे को उठाना पड़ रहा है। कहाँ पे दुकान है, क्या है? 2 नंबर पे दुकान है। तो 2 नंबर पे ट्रेन आती नहीं आती? नहीं आती अभी। तो फिर कैसे चल रही आपके और कर देती? अब जो बचत कर रखी थी वो भी ख़त्म होने को आ गई बिल्कुल, और अभी बिल्कुल हाल बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और लड़का ट्रोली चलाते हो आप और या दुकान है, उसका किराया कैसे भर रहा है, भर रहे हो आप? अभी मार्च तक हमारी फीस जमा है, उसके बाद रेलवे प्रशासन से कोई डिमांड नहीं आई है, पर सही जवाब भी नहीं आया रेलवे से। मार्च के बाद आते कोई मांगता है रेलवे, तो आप क्या करोगे, आप क्या जवाब दोगे उनको? वो तो मार झेलनी पड़ेगी हमको अगर मांगेगी तो। हम तो चाहते हैं कि माफ़ कर दो। अच्छा है, आपका नाम? आपका नाम? गोपाल चलानी। हमारा सर रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रॉली और ये खान पान की रेलवे स्टॉल है, और लगभग 3 महीने से हम लोग बेरोज़गार बैठे हैं। ये कोरोना जो महामारी अभी इन दिनों में चल रही है, जिसकी वजह से ट्रेनें वगैरह ये सब बंद है, और इसी वजह से ट्रेनें नहीं है तो हमारा जो काम काज है वो भी बंद पड़ा है सब। और रेलवे के अभी तक कोई ऐसे आदेश भी नहीं आए हैं कि ये ट्रेनें चलने वाली है और आप यात्रियों को अपनी सुविधाएं देवे, और सुविधाएं हम देवे भी तो किसको देवे साहब? यहाँ पे ट्रेनें, रेलवे वाले तो कहते हैं कि आप दुकानें खोलो, लेकिन दुकानें खोलने से मतलब क्या है? रेलवे की लाइसेंस भी निकलेगी नहीं समय से, तो ये है साहब कुछ। आपकी घर गृहस्थी कैसे चल रही है? घर गृहस्थी साहब डावाडोल है, स्थिति गंभीर है, बेरोजगार बैठे हैं सब और सबकी हालत ख़राब है। ट्रेनें चालू तो ये ना भैया? ट्रेनें चालू हुई थी, लेकिन सर वो क्या है, कुल 2 ट्रेनें चालू हुई है, जिसमें कुछ तो ये श्रमिक स्पेशल चली थी, एक जनशताब्दी और एक आश्रम एक्सप्रेस अप डाउन की, ठीक है साहब। अब इसके अंदर ये ट्रेनें हैं नाइट में, ट्रेनें नाइट में हैं। इसके अलावा अब आप देखिए सर, लगभग 350-350 रुपये तो जो बंदा कर्मचारी हम रखते हैं अंदर वही ले जाता है, और उसके अलावा लाइट बिजली का जो बिल है वो लगता है। रेलवे की लाइसेंस फ़ीस का अभी तक कोई सही जवाब नहीं आया है कि भाई फ़ीस में ये संशोधन किया जाएगा या आपका कुछ परसेंटेज कम करके आपको फ़ीस जमा करवानी होगी। ये दुकानें हैं और ये ट्रॉली हैं जी, इनके क्या रेलवे को आप क्या पेमेंट देते हो? जी बिल्कुल, लाइसेंस फ़ीस जाती है रेलवे में। तो क्या लाइसेंस फ़ीस मांगी उन्होंने सर? अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया अभी तक रेलवे का, और बयान आ जावे तो अच्छा है हम लोगों के लिए, नहीं तो साहब हालत हमारी तो, हम तो वैसे भी बेरोजगार बैठे हैं, और इसके अलावा ये मार और हमारे को झेलनी पड़ेगी फ़ीस की। लगभग ये 2 या 3 नंबर पर गाड़ी आती है या अभी नहीं आ रही है? सर अभी इन दिनों में तो कहीं भी गाड़ी नहीं है, वैसे 1 नंबर पर आ रही है जो गाड़ी आ रही है। 1 नंबर पर कितनी ट्रॉली और कितनी दुकानें होती? लगभग 4 दुकानें हैं और 4 दुकानों हैं और ट्रॉली तो 4 दुकान और ट्रॉली की कैसे चल रही होगी इस पर 1 नंबर? अभी अभी ट्रॉली नहीं है सर, यहाँ पे ट्रॉली बंद है। 2 दुकानें खुल रही है नाइट में। तो 2 दुकान का जितने या काम करते हैं उनसे 2 दुकान का घर खर्चा वही कर? नहीं चल रहा है साहब, बिल्कुल नहीं चल रहा है। जो हम रेलवे प्रशासन से बात करी, रेलवे प्रशासन ने करी है बात, लेकिन रेलवे प्रशासन का यहाँ का मैटर नहीं है सर, वो आगे का मैटर है, ये रेलवे बोर्ड से ही होता है जो भी होता है। जो तो अभी कैसे अब घर गृहस्थी चलाओगे आप? अब घर गृहस्थी साहब बैठे हैं कोई, अब हम इस असमंजस में है कि हम कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते, हमारा तो सब कुछ यहीं पर लगा हुआ है, 50-50, 60-60 साल हो गए यहाँ पर हमको, और अब हम बाहर भी कोई धंधा देखें तो कोई मतलब नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद गुजर है सर।